ये भी पूरे पाइप बेंड करके हो गए, 20 का सेट है ये। सिर्फ डिज़ाइन न्यू मॉडल का, यानी जो 13 से जो 19 तक का मॉडल था ना उसकी पाइप है ये। ये सैंपल के लिए 20 पाइप बनाए अपन ने, यानी बेंड कर दिए। लास्ट वीडियो में डाला था ये वीडियो पे अपन ने, ये बेंडिंग मशीन पे भी पाइप बेंडिंग की। अभी इसका स्लीव काटेंगे। स्लीव के लिए इधर ला लिया क्या, ये स्लीव का रोल, इसमें से स्लीव काट के डालेंगे इसमें भी। पहले कुछ निकाल लो, फट नहीं कुछ नहीं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट के, छोटे बड़े छोटे बड़े, एक पाइप में 3 पीस, इधर रखता हूँ जाऊँगा। हाँ रख दो। चलो फ्लक्स बना लो। ये भी लिक्विड पाइप बनी हुई है अपने पास, इसमें सिर्फ गोटी लगना बाकी, इधर का सामने के कनेक्टर वाली, ये प्रेशर स्विच के पोर्ट लगने की बाकी है, फिर इधर का कंडेंसर साइड वाला नहीं यहाँ बना लो, डाल दो उसमें। इधर का कनेक्टर वाला गोटी चाहिए, लिक्विड कंडेंसर साइड का जो गोटी आता ना कनेक्टर, वो बाकी है। अब इसको लगाएंगे, आपको बता दो इसमें कौन सा पार्ट लगता है। ये वाला कंडेंसर साइड का गोटी लगेगा जिसमें नीचे होल आता है, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये गोटियाँ लगेगी इसमें जिसमें नीचे से होल होता है, ये वाला होता है ना कंडेंसर सेट का, ये वाली गोटी लगेगी भी इसमें। ये वाली प्रेशर स्विच का पोर्ट लगेगा डीजल वाला, इसको अंदर में थ्रेडिंग भी आता है,
ये वाला ऐसा ये लगाएंगे अभी। और ये गोटी लगेगी एक्सपांशन वाल सेट का, ये नहीं लगेगी, ये हुंडई का है। बस इस टाइप के पार्ट लगाना है अभी अपने को लिक्विड वाइप में, और ये पाइप पूरा तो रेडी हो जाएगा। बची है अपने पास, प्रेशर स्विच के पोर्ट का मार्किंग लेना पड़ेगा ना, पंच करना पड़ेगा। ये भी गोटी हो गया, इधर का गोटी इसका बाकी है, इसका इधर का वो लग गया, ये भी लग गया, तो प्रेशर स्विच का पोर्ट लगना बाकी है जो ये वाला है। देखो सिंधु, ये वाला प्रेशर स्विच का पोर्ट लगाना बाकी है अभी। इतना हो गया, पाइप रेडी हो जाएगा।